अपने मन में ज्यादा विचार और एक्स्ट्रा बिना काम की सोच आती है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट फॉलो करो। एक नंबर, अगर आप ज्यादा सोच रहे हो तो आप अपने ध्यान भटका लो, यानी कि जब भी ओवर थिंकिंग हो तो तुरंत अपना ध्यान कहीं और जगह ले जाओ, यानी कि अपने मनपसंद जगह ले जाओ। दो नंबर, खुद के बारे में जागरूक रहो, यानी कि जब भी आप ओवर थिंकिंग में पड़ जाओगे तभी आप खुद के बातों को काटना है, यानी कि विचार को रोकना है। तीन नंबर, विचारों का दमन ना करें, यानी कि इससे कहते हैं कि विचारों को मोड़ना, यानी कि उनकी दिशा को चेंज करना। जब भी विचार आ जाएंगे तब आपको विचारों की दिशा चेंज करना है। अपने विचारों को सिर्फ देखे, यानी कि जब भी कभी आपको फालतू मन में विचार आ जाएगा, यानी कि नकारात्मक सोच या ज्यादा सोच आएगी, तब उसको दौड़ने से अच्छा उसको वहीं पे रोक दो। पांच नंबर, रिमाइंडर सेट करो, ताकि बार बार आपको याद रहेगा कि यानी कि विश्राम देना है। रिमाइंडर सेट करे, यानी कि जब भी बार बार आपकी मुझे ये ज्यादा सोचना बंद करना है। छह नंबर, सबसे आसान और अच्छा तरीका है ध्यान करना, यानी कि अपने ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से आप अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक दिन में 10 या 15 मिनट तो ध्यान करना ही जरूरी है, इससे अपना माइंड शांत हो जाता है और अपने बॉडी पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये है मेडिटेशन करने के फायदे। लेकिन किसी भी आदत को बदलने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, इसलिए वर्तमान पर फोकस करते हुए लाइफ को एंजॉय करो। अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो। अपने अतीत भविष्य की चिंता को साइड में रखिए और बस डटे रहिए। कोई कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब आप रोक सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अमूल्य सपोर्ट हमें दे दीजिए। जय भारत।